सपा नेता की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि आजम खान ने सत्ता के नशे में मदहोश होकर अपने पद का दुरुपयोग किया था। अदालत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री को अंतिम जमानत दी है, जो उनकी उम्र और स्वास्थ्य के आधार पर दी गई है। वहीं 40 पन्ने के फैसले में जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े एक मामले पर हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि आजम अपने सपनों को पूरा करने के लिए जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर कारोबारी की तरह से काम कर रहे हैं। इस मामले में कई जगह ठगने जैसा काम किया गया है। कोर्ट ने कहा कि केवल वस्तु ही पवित्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके साधन भी सही और पारदर्शी होने चाहिए। यूनिवर्सिटी का निर्माण एक अच्छा काम, लेकिन उसे तैयार करने में उपयोग किए गए साधन व कदम सही नहीं है। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की बेंच ने कहा, कैबिनेट मंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति जब कपटपूर्ण आचरण करता है तो उससे जनता का विश्वास टकमगाता है। शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट करती है, और अगर पूरी शक्ति मिल जाए तो उसे पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। पूर्ण शक्ति मिलने पर आदमी भगवान को भी नहीं छोड़ता। अदालत ने कहा कि आम तौर पर ऐसा होता है कि जो लोग सत्ता में होते हैं उनके मन में अक्सर लोगों का हित नहीं होता। वह मुख्य रूप से स्वयं के लाभों पर केंद्रित होते हैं और खुद की मदद करने के लिए अपनी स्थिति व शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। अदालत ने अपने फैसले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेशों को उद्धरण दिया और कहा कि उच्च लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधना की पवित्रता बेहद जरूरी होती है। धर्म की आड़ में अवैध तरीके से जमीन हड़पना कतई ठीक नहीं। कोर्ट ने अपने फैसले में महान विचारक और दार्शनिक सैनिक के कथन का भी उदाहरण दिया। अदालत ने कहा कि धर्म को आम लोग सत्य, बुद्धिमान लोग असत्य और शासक उपयोगी मानते हैं। कोर्ट ने ब्रिटिश इतिहासकार लॉर्ड एक्टन के सिद्धांत का भी अदालत में जिक्र किया और कहा कि किसी व्यक्ति की नैतिकता की भावना उसकी शक्ति बढ़ने के साथ खत्म हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि आजम खान को उनकी 72 साल की उम्र और खराब स्वास्थ्य की वजह से अंतिम जमानत दी जा रही है। अदालत ने तकरीबन 2.5 साल से जेल में बंद रहने के माननीय आधार पर जमानत देने की बात कही है। अदालत ने जमानत के लिए पासपोर्ट जमा करने को भी कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।